for the system shown in the figure, y of s divided by x of s. Hello everyone, this is a question from 2017 electronics branch set number 2. आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और हमको सिंपली ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है y ऑफ s अपन x ऑफ s. ठीक है, ट्रांसफॉर्म डोमेन हमको फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ब्लॉक दिया आपके पास g ऑफ s इक्वल टू 2 का. सिंपल इस क्वेश्चन को हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते. अरेंजमेंट बहुत सिंपल है. x ऑफ s यहाँ पे कनेक्टेड है डायरेक्टली प्लस से, दिस इज द x ऑफ s. y ऑफ s दैट मीन द आउटपुट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, दिस इज द एडर सर्किट. द y दैट मीन रिजल्टेंट ऑफ दिस एडर विल बी x माइनस y. x ऑफ s y ऑफ s नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिंपली x माइनस y लिख रहा हूँ. अब ये x माइनस y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ब्लॉक से g ऑफ s दैट मीन्स द 2. तो यहाँ पे रिजल्ट हुआ 2x माइनस 2y. अगेन एडर आपके पास ये प्लस से कनेक्टेड हो रहा है 2x माइनस 2y प्लस, और दिस प्लस टर्मिनल. तो x ऑफ s इज कनेक्टेड टू द प्लस टर्मिनल ऑफ एडर दैट मीन्स द x. रिजल्टेंट क्या हुआ इस जगह पे, 2x माइनस 2y प्लस एक्स रिजल्ट अक्रॉस द आउटपुट. सिंपल आपके पास डिस्कशन, जहाँ पे जो भी टर्मिनल कनेक्टेड है उस टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं. अब आउटपुट का रिजल्ट कितना होगा, इस फिगर में अगर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स ऑफ आउटपुट दैट मीन द y इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस एक्स, दैट मीन्स 3y इक्वल टू 3x. तो ट्रांसफर फंक्शन y अपॉन x इज इक्वल टू 3/3 दैट मीन्स 1. सिंपल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर जो था आपके पास ट्रांसफर फंक्शन का आंसर इक्वल टू 1 था. देर इज नो नीड ऑफ ड्रा टू सिग्नल फ्लोग्राफ. सिग्नल फ्लोग्राफ बनाने की कोई भी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में. इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप ब्लॉक डायग्राम के अरेंजमेंट को ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और सिंपल रिजल्ट आपका आ जाता. ठीक है, तो 1 आंसर इसका. ओके, थैंक यू.